ओके नाउ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। टुडे वी डिस्कस योर टॉपिक इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। लास्ट टॉपिक हमने फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स डिस्कस आउट किया था, ठीक है? क्लियर है फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स? यस मैम। ओके, ये है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या होता है? यानी वित्तीय, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, उस सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, वो सारे आप यहाँ पे शॉर्ट आउट करोगे। ओके, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यहाँ पे हम लेंगे फाइनेंशियल सेक्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन कि फाइनेंशियल सेक्टर क्या है और क्या चीज इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती है, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट आउट करूं कि इकोनॉमी जो है आपकी अर्थव्यवस्था है, उसके जो स्ट्रक्चर है, टाइम टू टाइम पीरियड उसमें रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है? आप देखते हो ना, टाइम टू टाइम पीरियड प्राइसेस भी राइज होते रहते हैं और भी सिचुएशन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होती है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें समय के अकॉर्डिंग कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ती है। वो फिस्कल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फाइनेंशियल सेक्टर्स हो, हर सेक्टर में टाइम टू टाइम पीरियड रिफॉर्म्स किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव और अच्छा बनाना है, उसको और सफल बनाना है, तो फाइनेंशियल जो सेक्टर है या फाइनेंशियल जो आपकी व्यवस्था है, वित्तीय जो व्यवस्था है, उसको और अधिक कार्यकुशल या और कंपटीशन क्रिएट करना जरूरी है। यानी उसमें प्रतियोगिता भी आनी चाहिए और उसकी कार्यकुशलता जो है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है? टाइम टू टाइम पीरियड, तो उन्हीं चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है उसके अंतर्गत रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। अब फाइनेंशियल सेक्टर है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर यानी जो वित्तीय क्षेत्र है आपका, एक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो, अगर फाइनेंस नहीं होगा तो उस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए मनी कहाँ से आएगा, ठीक है? तो वो जो मनी है वो बैंकों से, व्यवस्थाओं से जो आएगा, उसी के थ्रू हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक हिस्सा है। जो विभिन्न जो भी फर्में होंगी इसमें या संस्थाएं होंगी, उनसे मिलकर कर ये बना होता है फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें काफी फर्म्स भी होती हैं और संस्थाएं भी इंक्लूड होती हैं। इज इट क्लियर और नॉट बेटा यहाँ तक? यस मैम। ओके, ठीक है। इसके अंतर्गत वाणिज्य, जो ग्राहक है और जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, इन सबको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब फाइनेंशियल जो सेक्टर है इसके अंतर्गत कुछ विषय या जो सिफारिशें हैं वो इंक्लूड की गई, वो कौन कौन सी हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? जैसे वित्तीय क्षेत्र में सुधार के विषयों पर सिफारिशें करने के लिए समिति का गठन किया गया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज किए जाएंगे जिनके रिगार्डिंग रिफॉर्म होने चाहिए या किए गए, वो एक समिति बनाई गई बेटा, ठीक है? समिति बनाई गई और उसमें ये गठन किया गया। क्या क्या चीजों का बात ध्यान रखी गई? इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र में सुधार जो है वो समिति ने यहाँ पे किए। जो ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए ना, ये किए गए एम नरसिम्हा की अध्यक्षता के अंतर्गत। ओके, ये समिति क्या बताती है, क्या चीजें दी गई हैं, वो सारी इसके अंतर्गत शॉर्ट आउट की गई हैं। समिति में वित्तीय व्यवस्था जो है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो, उसकी कार्यकुशलता और इम्प्रूव हो, उसके लिए इसमें सजेशंस दिए गए, ठीक है? कि आप इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसको इससे हम और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम ऐसे कौन से विषय, ऐसे कौन से सब्जेक्ट चूज करें जिनके आधार पे आगे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये सारे इसके अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक है? कौन कौन से बैंक्स का उठाया गया कि कौन से बैंक्स को दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनकी सिफारिशें की गई। इसी नरसिम्हा समिति ने अपनी रिपोर्ट दी फिर 1991 के टाइम पीरियड में भी, जिसमें उन्होंने अपने इसको पूरा स्टडी आउट किया बेटा पहले,
और ये डिस्कस आउट किया कि कौन कौन से विषय चूज करने चाहिए, और देन वो विषय चूज किए गए जो ये सजेशंस दृष्टिकोण या मान्यताओं पर आधारित हैं। ठीक है, इन समिति ने दिया, समिति द्वारा वित्तीय सुधारों के बारे में दृष्टिकोण दिया गया तीन मान्यताओं के आधार पर, तीन ऐसी अजम्पशंस इन्होंने क्रिएट की जिनके आधार पर इन्होंने अपने व्यूज दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि अर्थपूर्ण परिणामों के लिए प्रतियोगी कार्य कुशलता की भावना होनी चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों में, वास्तविक जो क्षेत्र हैं यानी आपके जो रियल स्टेट्स हैं उनके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें भी लागू होनी चाहिए, ये बात ली गई। देन इसी कंपटीशन को फिर आगे बताया गया है, ये इन्होंने तीन दी, ये सेकेंड पॉइंट आ जाता है, और ये थर्ड, इसमें ये सारी नर्सिम समिति की रिगार्डिंग है कि उन्होंने कौन कौन सी चूज की बेटा, और फिर वो सिफारिशें कौन कौन सी अप्लाई की। अब फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात होगी बेटा, इज इट? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। बेटा आपका रिस्पांस नहीं आता है, क्या बात, खाना नहीं दिखलाया क्या घर वालों ने अभी? हेलो। यस मैम। नहीं खिलाया? खिलाया मैम। तो फिर रिस्पांस भी थोड़ा जोश से दिया करो बेटा कि हाँ क्लियर है या नहीं है, नहीं है तो मैं उसको अगेन रिपीट करूंगी। अब वो सिफारिशें कौन कौन सी दी, अब बैंकिंग सेक्टर्स में रिफॉर्म्स किए गए बेसिकली, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इस समिति के अकॉर्डिंग कहता है बैंकिंग ढांचे, जो ढांचा है उसको चार स्तरीय गठन किया गया, ठीक है, जिसमें 3-4 बैंक सबसे ऊपर रखे गए और बाकी जो बैंक थे जैसे ग्रामीण बैंक वगैरह हैं जो कृषि और अन्य कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं उनको निचले स्तर पे रखा गया, ठीक है, हाई स्ट्रक्चर पे रखे गए, कुछ कुछ लोअर स्ट्रक्चर पे शॉर्ट आउट किए गए। फिर आता है बैंक जो शाखा है वो लाइसेंस नीति को समाप्त किया जाए, इसको भी सिफारिश की गई कि जो लाइसेंस की प्रोसेसिंग है उसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और उसमें भी फिर वही चीज है बेटा, वहां पे भी गड़बड़ होती है, तो इस चीज को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई। फिर जो वैज्ञानिक तरलता अनुपात जो है आपका, उसके भी विभिन्न चरणों में कमी की गई, यानी लोग इस ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्या होता है बेटा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बैंक से ऋण या ब्याज लेने से अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बैंक से ब्याज लेना, ऋण लेना बड़ी लंबी प्रोसेस है, ठीक है, उनको बड़ा झंझट लगता है। तो जब तक ये जो स्ट्रक्चर इजी नहीं होगा तब तक लोग उसमें इंक्लूड होना कम से कम पसंद करते हैं, ठीक है। अब जिसको नॉलेज कम होगी उस चीज की तो वो ये सोचेगा रहने दो, इससे अच्छा तो मैं कहीं और से ही परचेज कर लेता हूँ, इतना लंबा टाइम लगेगा, प्रोसीजर होगी, तो इसलिए भी अवॉइड करते। तो इनको जितना इनकी इजी क्रिएट किया जाएगा, जितना इनको इजी रिफॉर्म किया जाएगा उतना उसमें इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होगा लोगों का, ठीक है। फिर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर निरीक्षण के जो कार्य हैं वो रिजर्व बैंक द्वारा अर्ध स्वायत्त संस्था को सौंप दिए, यानी रिजर्व बैंक के बहुत सारे जो कार्य थे उनको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, मेन सोर्सेज ही यानी मेन काम ही रखे गए हैं रिजर्व बैंक के, वो आप रिजर्व बैंक का अलग से स्टडी आउट करोगे तो उसमें शॉर्ट आउट किया गया है। यहाँ पे सिर्फ हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें भी कामों में काफी कमी कर दी गई है। फिर और जो सिफारिशें आई ये इसमें कुछ सिफारिशें और देखिए, ये सारे पॉइंट शॉर्ट आउट कर रखे हैं बेटा, सारे रीड आउट कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये जितने रिफॉर्म्स किए गए इनको बेसिक आधार बनाया गया कि एक्चुअल में रिफॉर्म हुए कौन से। अब बेटा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग अलग अलग समितियां आई, कोई कैलकर समिति आई है, कोई नर्सिम समिति आई है, सबने अपने अपने रिगार्डिंग रिफॉर्म्स शॉर्ट आउट किए, अपनी सिफारिशें दिखाई कि ये चीजों में रिफॉर्म्स होने जरूरी हैं, अगर इन इन चीजों में रिफॉर्म्स होंगे तो बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। देन ये ऑल ओवर रिफॉर्म्स शॉर्ट आउट किए गए हैं कि कौन कौन से नगद कोष अनुपात जो है आपका, तरलता अनुपात जो है वो काफी बढ़ रहे थे, तो रिजर्व बैंक के द्वारा इन्हें ऊपर उठाने के लिए यानी इनको और इम्प्रूव करने के लिए जो बजटीय घाटा था, ठीक है, उसको उत्पन्न उसमें उत्पन्न मुद्रा स्फीति दबाव को
रोक लगाना था, यानी जितना इनबैलेंस क्रिएट होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, मुद्रा स्फीति क्रिएट होगी, तो उस पे भी रोक लगाने के लिए रिफॉर्म्स किए गए। ये सारे वो बेसिक रिफॉर्म्स हैं जो आपकी ऊपर समिति दी गई है उनके। ओके यस मैम। देन रिजर्व बैंक ने आई की जो रिजर्व बैंक के द्वारा आय दी गई है पहचान, उसकी परिसंपत्तियों का भी वर्गीकरण किया गया, यानी अलग अलग पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं, पूंजी की जो पर्याप्तता, जो कैपिटल आपकी है उसके बारे में भी काफी जो मापदंड है उसको मेजरमेंट के नए नए विवेकपूर्ण तरीके अपनाए गए इसमें, ताकि और इम्प्रूव हो सके ये मेजरमेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा 1997 टू 98 में भी बेटा जो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी जो आपका क्या बोलोगे सार्वजनिक क्षेत्र को, पब्लिक सेक्टर। यस मैम। यस मैम, हेलो। सार्वजनिक क्षेत्र जो है बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र के भी जो बैंक है उनका भी पूंजीकरण किया गया और इतना करोड़ रुपीस के थ्रू योगदान दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे डाटा भी शॉर्ट आउट किया गया है और बैंकों का पुनर्पूंजीकरण भी किया गया है ताकि उनमें योगदान और ज्यादा बढ़े। कई बार क्या होता है बेटा, बैंकों के पास कैपिटल ऑलरेडी होती ही नहीं है, पूंजी उतनी होती ही नहीं है जितना उनको शॉर्ट आउट किया जाता है, तो पूंजीकरण भी किया गया पुनः से इनका। ठीक है, बैलेंस शीट जो है बैंकों की, उसको भी, उसकी भी जो लाभ हानि खाते जो है उनकी स्थिति को भी प्रकट नहीं करती थी, तो उसमें भी और इम्प्रूवमेंट किया गया है। ये सारे वो बेसिक रिफॉर्म्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के। ठीक है, टू दी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, तो आप इन सबको स्टडी आउट करोगे। लास्ट में बेटा इसमें वित्तीय क्षेत्र में नीतिगत सुधारों को भी मैंने शॉर्ट आउट किया गया है। पहले तो बेसिक रिफॉर्म्स बताए गए हैं, अलग अलग कमेटीज के थ्रू बताया गया है, देन इसमें बेसिक रिफॉर्म्स भी बताए हैं कि नीतिगत सुधार कौन कौन से हुए, कि बैंकिंग सुधार में कौन कौन सी चीजें की गई, बेसिकली कौन कौन से कितने बैंकों को अंतरराष्ट्रीय बैंक में रखा गया, कौन से राष्ट्रीय बैंक का रखा गया। ठीक है, और स्थानीय बैंक कितने होने चाहिए, वो सारा स्ट्रक्चर भी इसमें यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बैंक कितने, 2 से 3, राष्ट्रीय बैंक 8 से 10 और स्थानीय बैंक 1। ठीक है, तो ये सारा भी इसमें शॉर्ट आउट किया गया है। ओके, देन इसी की आगे ये सारी एक्सप्लेनेशन है, तो आप यहाँ पर इसको स्टडी आउट करोगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें जो मैटर यहाँ पे अवेलेबल है वो तो है ही, इसके अलावा आपको जो और मैटर मिलता है उसको भी इसमें इंक्लूड करोगे। ओके, ये सारे ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। ओके, तो इनको अच्छे से डिटेल में आप प्रिपेयर करोगे बेटा। ओके, यस मैम।